अगली खबर, जहां छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। अगर बीते 24 घंटे की बात कर ली जाए तो 2434 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। वहीं 576 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया है और इसी के साथ ही आज प्रदेश में कोरोना से 7 लोगों की मौत हुई है। नए मरीजों के साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़कर 93,351 हो गया है, जिनमें से अब तक कुल 56,773 मरीज स्वस्थ होने के उपरांत डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 728 हो गया है। रायपुर में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं एम्स डायरेक्टर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सत्या राजपूत ने। इस दौरान उन्होंने बताया कि कोरोना मरीज की संख्या 1,00,000 के करीब पहुंच गई है। राज्य छोटा है लेकिन कोरोना मरीजों की संख्या ज्यादा है। उनका कहना है कि कोरोना का सबसे बड़ा इलाज सावधानी है। सरकार और डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। वहीं क्रिटिकल मरीजों की औसतन 60 से 70 पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों को ठीक करने का मोर्चा संभालने वाले डायरेक्टर सर हमारे साथ हैं, जो कि एम्स के डायरेक्टर हैं। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप लगातार मोर्चे में हैं, पहले भी थे अब भी हैं, लेकिन हालात थोड़ा सा बदलते जा रहे हैं क्योंकि मरीज बढ़ रहे हैं, आगे क्या संभावना है? देखिए, तो पिछले अगर हम लगातार 2-3 महीने का ट्रेंड देखें तो मरीजों की संख्या बढ़ती गई है, और क्योंकि रेफरल केसेस यहाँ पे ज्यादा आते थे, पहले से ही यही डिसाइड हुआ था कि जो एसिम्प्टोमेटिक है वो घर में रह सकते हैं, या जो माइल्ड सिम्टम्स हैं या कि अन्य कोविड सेंटरों में भी थे, लेकिन जो सिक पेशेंट्स थे जिनको सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ है, जिसको अपन कोविड न्यूमोनाइटिस कहते हैं, कोविड न्यूमोनाइटिस वाले मरीज, या जिनको अन्य बीमारियां भी हैं जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, किडनी डिजीज, प्रेगनेंट लेडीज़, छोटे बच्चे, इन सबको हम यहाँ पे लेते रहे, इनकी संख्या ज़्यादा है। उसकी वजह से डॉक्टरों पर प्रेशर डेफिनेटली है, क्योंकि आईसीयू में भी काफ़ी सारे मरीज हैं। एक वक्त में कभी भी 60 से 70 तक का आईसीयू टाइप के पेशेंट्स यहाँ पे होता है, आईसीयू एचडीयू में ला करके। फिर बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको ऑक्सीजन मास्क की ज़रूरत पड़ती है, तो एक दिन में लगभग लगभग हमारे पास यहाँ 400 पेशेंट होते हैं, जिसमें लगभग हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में 350 से लेकर 400 तक कोविड पॉजिटिव होते हैं, और कभी 50 से 100 तक तो जो होते हैं वो कोविड सस्पेक्ट पेशेंट्स हैं। इसके अलावा हमारी रूटीन ओपीडी, ट्रॉमा, इमरजेंसी, ये सब भी जारी हैं। तो डॉक्टर्स वाकई बहुत मेहनत कर रहे हैं, पेशेंट्स की संख्या भी बढ़ गई, और जिन मरीजों को हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए और सिक पेशेंट्स की भी संख्या बढ़ती है। ये राज्य की स्थिति को देखकर बात करें तो अभी 1,00,000 के करीब हैं, आगे और कितना बढ़ने की चांसेस है? क्योंकि हम पहले थे 1-2, फिर 10, फिर 100, 100 से 1,000, अब क्या आने की स्थिति? देखिए, अगर हम बाकी भी राज्यों का ट्रेंड देखें या बाकी दुनिया में ट्रेंड देखें, तो एक राइज होने के बाद धीरे धीरे संख्या तो बढ़ती है, तो उसके बाद जाके स्टेबल होती है, जो एक प्लेटो लेवल आता है, उसके बाद ग्रेजुअली फिर नंबर घटता है। तो शायद हमारे यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, बढ़ता रहे नंबर पिछले कुछ दिनों में, हफ्तों में, आने वाले टाइम में मुझे लगता है प्लेटो रीच हो जाएगा और फिर ग्रेजुअली घटेगा, लेकिन उसके बाद भी हमको सतर्क रहना है। मैं कुछ दुनिया में और कंट्रीज के बारे में आपको जस्ट बताना चाहूँ, तो जैसे इंग्लैंड की बात करें, यूके की बात करें, फ्रांस की बात करें, स्पेन की बात करें, इवन ऑस्ट्रेलिया में बीच में ठीक रहा और फिर एक सेकेंड वेव आने लग गई, फिर उनको स्ट्रिक्ट होना पड़ा। तो ऐसा हमारे यहाँ ना हो, इसके लिए जैसे अगर हमको लगेगा कि अब स्थिति सुधर रही है, तो लोगों ने फिर उसके बाद सतर्कता कम नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसकी बढ़ानी चाहिए, और कि आने वाले टाइम में हम संख्या को घटाएं और बढ़ने ना दें, क्योंकि ये इन्फेक्शन अभी भी ऐसा है कि अगर बहुत सारे मरीजों में बिल्कुल ठीक होके चले जाएंगे, एसिम्प्टोमेटिक है या कम सिम्टम है, लेकिन कुछ पेशेंट्स में जिनको, जैसे मैंने बताया, कोमॉर्बिडिटीज़ हैं और अन्य बीमारियां हैं, उनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं है, उसमें ये काफ़ी लंबे तक खींचती है, और उसके बाद कुछ में मॉर्टेलिटी भी हो रही हैं, तो हमको इन सब पेशेंट्स को ठीक भी करना है, उनकी जान बचानी है। अब हम और आप पर निर्भर करता है कि कोरोना से कैसे लड़ना है और हम एडवाइजरी का कैसे पालन करें। कैमरामैन चोला राम के साथ सत्यराज, स्वराज एक्सप्रेस।